दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक न्यू वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब टाइटल क्या होता है। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोगों को तो ये चीज़ पता ही नहीं कि सब टाइटल होता कैसे और इसको कैसे ऑन करना है। अब सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ न्यू यूट्यूबर के लिए स्पेशल, उनको तो बिल्कुल नहीं पता होगा कि वो होता क्या है। जैसे आप हॉलीवुड की कोई मूवी देखते हो या फिर कोई भी ऐसी ऐसी वीडियो देखते हो जिसमें ना नीचे वहाँ पे ब्लैक पट्टी में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, वो लिखा वही आता है जो वहाँ पे बंदा जैसे फेस पे बोल रहा होता है कैमरे पे और वहाँ पे सारा कुछ लिखा आता है, तो उसको बोलते हैं सब टाइटल जो लिखा आता है। अब इसका फायदा क्या, जैसे अगर आपकी कोई वीडियो कोई बाहर की कंट्री में देखा जा रहा है जहाँ की आपकी लैंग्वेज वहाँ पे उनको नहीं समझ आती हो, जैसे मेरी लैंग्वेज हिंदी है, तो अगर ये फॉरेन कंट्री में देखा जाएगा जहाँ पे यूएस मान लो या फिर कोई और भी कंट्री मान लो, तो वहाँ पे उनको ये हिंदी तो नहीं आता होगा। अब उनको समझने के लिए क्या करेंगे, हम उस पर सबटाइटल ऐड कर देंगे ताकि वो अच्छी तरह हमारी लैंग्वेज को समझ पाए। मतलब उनको वैसे तो समझ नहीं आएगा बट देख देख के वो समझ पाएंगे कि हम उस पर क्या बोलना चाहते हैं, क्या उसको समझाना चाहते हैं। तो वो चीज़ होता है फ़ायदा सबटाइटल का कि अदर लैंग्वेज वाले लोग भी आपके देख सकते हैं। अब वो ऑन कैसे कर सकते हैं, मतलब आपको कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर बताऊंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट आप बाद में करना आपको वीडियो कैसे लगी, और चैनल पर आ चुके हो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन बन जाएगा उसको प्रेस कर लेना और ऑल दबा देना ताकि फ्यूचर की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दिखाता हूँ सबसे पहले आप इसको कैसे ऑन करेंगे। आप YouTube पे चले जाएंगे और देन आप लोगो पे चले जाएंगे और यहाँ पे सेटिंग पे ओके करेंगे और थोड़ा सा नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पे कैप्शन लिखा है, आपने इसके ऊपर ओके कर देना है। तो यहाँ पे असेसिबिलिटी यहाँ पे लिखा है, इसको अनेबल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैप्शन विल लुक लाइक दिस, यहाँ पे आ चुका है कि कैप्शन ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट का जो साइज़ है वो नॉर्मल भी कर सकते हैं, स्मॉल और वेरी स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज, जो भी हम अपने साइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे लार्ज कर देता हूँ, ये तो बड़ा हो गया। और यहाँ पे इसका स्टाइल भी हम कर सकते हैं, जैसे ब्लू में आ रहा है यहाँ पे तो ब्लू वाला भी ओके कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना लिखा हुआ आएगा। अब जैसे ये होता कैसे, उसको तो हमने ऑन कर दिया। अब जैसे देखिए अगर कोई भी वीडियो जिसमें अगर उसने अपनी वीडियो के अंदर सब टाइटल ऐड कर रखा था, हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट ये वीडियो मैं प्ले कर देता हूँ, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए सीसी यहाँ पे लिखा हो, तो यहाँ पे आप सीसी भी देखते हैं, अपनी कोई भी वीडियो देखेंगे यहाँ पे सीसी लिखा होगा, इसका मतलब होता है क्लोज कैप्शन। अब यहीं से आप इसको ऑन करेंगे अगर उसने ए लगा रखा है, तो सबसे पहले इसको बैक कर देते हैं, इस पर नहीं लगा रखा है इन्होंने सबटाइटल। तो एक वीडियो मैंने ऐसी देखी थी जो भी थोड़ी देर पहले जिसमें सबटाइटल ऐड था, तो ये वाला है, तो हम इसको दिखा देता हूँ थोड़ा सा प्ले करके। अब जैसे देखिए यहाँ पे आ रहा है लिखा हुआ, ठीक है, तो मैं इसको रोक देता हूँ ताकि कॉपीराइट ना आए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, अब इसको हम सीसी ऑफ कर देंगे तो यहाँ पे ये सबटाइटल यहाँ पे ऑफ हो चुका है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये, जैसे देखिए अब यहाँ पे प्ले कर देता हूँ तो ये बंद हो चुका है। अब इसको दोबारा से ऑन करेंगे तो अब यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो इस तरीके से हम अपना सबटाइटल यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। बस ये हम तभी ऑन कर सकते हैं जिसके हम वीडियो देख रहे हैं, अगर उसने सबटाइटल यहाँ पे ऐड कर रखा होगा तो ही हम उसके अदर लैंग्वेज हम उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं करना आता कि आप अपनी वीडियो के अंदर कैसे हम अपनी जैसे कि अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल कैसे डालें, ये तो हम किसी और की वीडियो देख रहे थे उसके सबटाइटल उसने ऐड कर रखे हैं, बट अगर आपको नहीं आता कि हम मैं कैसे अपनी वीडियो के अंदर सबटाइटल यूज़ करूँ, मतलब ऐसे ऐड करूँ, तो मेरे को जरूर कमेंट करना, मैं आपके लिए इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप उसको सबटाइटल अपने ऐड कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज का। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा, अगर वीडियो काफी पसंद आई तो यार प्लीज़ लाइक कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, और कमेंट में आप बताइए कि आपको क्या टॉपिक के ऊपर मतलब कि वीडियो चाहिए और क्या चीज़ आप सीखना चाहते हो, और सबटाइटल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए ये जरूर बता देना। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।